उम्मीद है कि आप लोग सभी हेल्दी से होंगे। तो जिससे मेरे चैनल पे जो जो नया है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं बिस्किट्स, तो चलें अभी हम लोग बिस्किट बनाने जाते हैं और खा के चेक भी करेंगे किस तरह बनते हैं। आप लोग तो अपने घर बनाना और मैं अपने घर मिक्स करके हमने घी के साथ आटा गूंदना है। पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं लेकिन हम अपने घी के साथ आटा गूंदेंगे। प्रोसेस रिपीट तो मैं करती रहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है ना। यही पहले हाथ शाथ धो लेने, मैंने वो धो लिए लेकिन नहीं लिए, नहीं तो कहीं हाथ धोए अपने मैंने। देखें वो जितना भी घी डालते पता नहीं गया किधर, और घी अभी डालते हैं ना। गैस हो ना, वही गैस उतनी नहीं है ना। किचन गंदा हुआ हुआ है ना, गाइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा घी मेल्ट हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा रहता भी है तो जो जो हो गया वो मैं डालती हूँ ना, और बाकी हम मेल्ट करने के लिए रख देते हैं इतनी देर जब तक वो हो जाएगा। और फिर हाँ पहले तो मैं लाइटर अपना ढूंढ लूँ क्योंकि मेरा लाइटर घुमाऊंगे। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन हो, गैस नहीं है इसको चूल्हा भी कि हमने करने के लिए रख दिया। इतनी देर हम इसको गूंथते हैं। पानी आपने इतना नहीं डाला, बस थोड़ा सा। हमने एक चीज़ तो की नहीं, हमने चीनी भी ग्रेंड कर ली थी, मैं भूल जाती हूँ। इतनी देर में हमारा ऑयल होगा ना, फिर तो हमने चीनी ग्रेंड करनी है। अब हम ग्रेंड कर, हम चीनी डालते हैं ना सबसे पहले इसके अंदर पीसने के लिए। इसके ऊपर फिक्स करते हैं। गाइस मशीन तो एंड टाइम पे हमारी ख़राब हो गई है, तो अभी हम इसी तरह चीनी डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ना पीस कूट कूट के डालनी है ताकि वो हो जाए ना। बस इतनी भी शुगर डाली है बीच में एंड ऑयल, और ना आप लोगों ने ना टेस्ट के लिए ना थोड़ा सा ना इतना एक ये नमक डाल देना, बस एक दो चुटकियाँ ना, ताकि टेस्ट आ जाए इसके साथ। ऑयल डालना, मैं तो ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा कम से थोड़ा, मैं कह रही हूँ पानी डाल दूँगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल वाले ना खाए नहीं जाते बिस्किट्स। मुझे तो लग रहा है बस अब इसी में भान जाएंगे। इस टाइम करते जाना है, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करते हैं अभी। बस इतना सा करना, बस आपके सामने जितनी ऐड किए ना, ज़्यादा नहीं करना वाटर ऐड।
है कि फिर भी इसमें ना वो हो गई है। जिस तरह आपने आटा गूंदना होता है ना, सेम वैसे ही इसका प्रोसेस। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड कर देती थी, लेकिन इसमें तो और इनकी शेप्स में बनाना थोड़ा सा कह रही थी और ऐड करना इतना मेरा फिर मैंने साइड पर ऐड करना उसी में आटा गूंथ। आप लोग चाहते हैं तो थोड़ी देर रख भी लिया करें इस पर। ये देखिए तो हमारे बिस्किट का डो तैयार हो गया। यार इसमें तो मैंने चीनी एक बार ग्राइंड करके डालती हूँ, मैंने ग्राइंड नहीं की थी। हमारा डो बन चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। डो पूरा तैयार हो गया हमारे बिस्किट का। अभी हम इसके साथ बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब पहले तो हमने शेप्स देनी है, वो शेप हम देते रहते हैं। ये अभी हम ये देखिए आप इस टाइम का है। गाइस मैं ना बहुत बड़ी शेफ हूँ, पता है आप लोगों को। गाइस ये तो मेरी बहन ना बहुत ही ना गंदी शेफ है, तो आप इसके हाथ से खाएंगे तो आप चाहेंगे कि आप उल्टी कर दें, तो इसके हाथ का भी कभी ना खाया करें। ड्यूटी तो गाइस ये बिल्कुल सच था, सच था ना, मैं इतनी बड़ी शेफ, मास्टर शेफ। ये तो बहुत बुरा झूठ है, आप किसी के साथ ना किया करो फायजा, ये तो बहुत बड़ा मजाक किया तुम लोगों ने। आपने इसे ना कूचो को शिफ्ट डाल, ये देखे कितने मजे कितने मजेदार लग रहे हैं। सॉरी बटर पेपर छोटे छोटे देखिए, कोई बड़े एंड कोई छोटे। अभी पहले इनके अंदर शेप मेरे पास भी पड़ी हुई है, हम रखते हैं कि तो फेंक दी। अभी ये मैंने सारे रख दिए दोबारा से, अभी ये बेक दोबारा से होगी और फिर दोबारा से ये छोटा ही पड़ा। तो ये देखें ये हमने बना लिए और अभी वो बात ये सेकंड जो हमने रखे थे वो ना इसको ज़्यादा ऑयली घी वाले पसंद है, पकड़ते हैं तो वो घी ज़्यादा निकालते हैं। ये देखें ये वाले ऊपर से इसी तरह दिखते हैं, जब ये थोड़ी देर आप इसको रखेंगे ना ये खुद ही पक जाएंगे। ये देखें दो
ये देखो ये पक चुके हैं गाइस, अभी ये देखो सारे पक चुके हैं मेरे बिस्किट्स। तो ये अभी मैं आप लोगों को इनको तोड़ के बताऊंगी किस तरह दिख रहे हैं और अंदर से किस तरह क्रिस्पी बने हैं, ये चॉप चॉप बने तो अभी देखते हैं। मैं भी शेव देती लेकिन अभी ये देखिए। सो गाइस आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, और जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा, और मेरे बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। सो अल्लाह हाफिज़।